नमस्कार दोस्तों, क्यों बनूं मैं किसी और के जैसा, क्यों बनूं मैं किसी और के जैसा जब जमाने में कोई नहीं मेरे जैसा। आज का ये वीडियो स्पेशली उन लोगों डेडिकेटेड है जो कभी ना कभी लाइफ के किसी मोड़ पे अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को लूज करते हैं, डिप्रेस होते हैं, डीमोटिवेटेड होते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आप माने या ना माने, कुछ चीज़ों में आप किसी से बहुत ज़्यादा हैं, कुछ चीज़ों में आप कम हैं। जब आप अपने आप को दूसरों से ज़्यादा देखते हैं तो आप एक्साइटेड हो जाते हैं, जब आप खुद को किसी से कम करते हैं या कम मानते हैं तो आप डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो ऐसे में करें क्या, आप दोनों को ही छोड़ दीजिए, आप यूनिक हैं। भगवान ने सबको कोई ना कोई एक सुपर पावर जरूर दी होती है जिसका हम यूज़ करते नहीं हैं और दूसरों से खुद को कंपेयर करते रहते हैं, चाहे वो लुक्स वाइज हो, चाहे पहनावे के हिसाब से हो, चाहे लग्जूरियस लाइफ के हिसाब से हो, चाहे नॉलेज के हिसाब से हो, चाहे कम्युनिकेशन के हिसाब से हो। तो सभी को छोड़ दीजिए, यू आर यूनिक। अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जीना शुरू करिए, क्योंकि जब आप अपने बेसिक नेचर के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जीना शुरू करेंगे तब धीरे धीरे आप ये समझते जाएंगे कि आस पास वाले भी उससे इफेक्ट हो रहे हैं। आप एक मैग्नेट की तरह काम करने लगेंगे, क्योंकि जब भी आप बिना परवाह किए अपने दिल की बात सुनकर आगे बढ़ते हैं तो आप अपनी इनर वॉइस के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही डायरेक्शन में चलते हैं और आसपास वाले लोग अपने आप उससे अट्रैक्ट होते जाते हैं। जब कभी भी हम बाहर खुशी को तलाशने जाते हैं तो इनडायरेक्टली हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं और जब वो एक्सपेक्टेशन टूटती हैं तो बहुत दर्द होता है। तो रियल हैप्पीनेस वही है जो आपके अंदर है, जब आप अंदर से सुकून महसूस करें, जब सेटिस्फाई हों। बाहर की खुशी से एक्साइटेड नहीं होना है, बाहर के किसी निगेटिव कमेंट से दुखी भी नहीं होना है, क्योंकि जब आप जान जाएंगे कि रियल हैप्पीनेस इन दोनों से कोसों दूर है तब आपको किसी भी कॉम्प्लीमेंट पे एट ए टाइम एक्साइटमेंट नहीं होगी और किसी भी निगेटिव कमेंट पे बहुत ज़्यादा दुख नहीं होगा। आपके अंदर दोनों को झेलने की एक पावर जनरेट हो जाएगी। खुश रहना आपका बेसिक नेचर भी है और आपका हक भी है। फूल किसी अमीर गरीब के हिसाब से अपनी खुशबू कम या ज़्यादा नहीं करता, वो तो बस अपना काम कर रहा है, उसका काम है खुशबू फैलाना। वैसे ही आपका काम है खुश रहना। अगर आपकी खुशी दूसरों पे डिपेंड है, अगर दूसरों में आप अपनी खुशियां ढूंढते हैं तो 100% चांस है कि आगे जाके आपकी जब एक्सपेक्टेशन टूटेंगी तो पेन जरूर होगा। इसीलिए खुशी बाहर नहीं अंदर ढूंढिए, क्योंकि वही रियल हैप्पीनेस है और वहां तक अगर आप पहुंच पाए तब आप पीस ऑफ माइंड और सेटिस्फेक्शन की उस स्टेज को टच कर लेंगे जहां पे आपको बाहर के कॉम्प्लीमेंट्स पे ना ही एक्साइटमेंट होगी और ना ही दुख होगा। तो अपनी इनर वॉइस और अपने बेसिक नेचर के अकॉर्डिंग चलिए। दूसरों पे डिपेंड नहीं होना है खुश रहने के लिए, क्योंकि आपकी जिंदगी के मालिक आप खुद हैं। हम बाहर की चुनौतियों से नहीं बल्कि अपने अंदर की कमजोरियों से हार जाते हैं। क्यों भरोसा करना गैरों पर जब चलना है तुझे अपने पैरों पर। सभी लोगों के लिए खुशी के अलग अलग मायने हैं। किसी को सेवा करके खुशी मिलती है, किसी को किसी की मदद करके खुशी मिलती है, किसी को अपने गोल्स अचीव करके खुशी मिलती है, किसी को पावर से खुशी मिलती है, किसी को पैसे से खुशी मिलती है, किसी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड उन सब चीज़ों को एक्वायर करके खुशी मिलती है। तो खुशी के मायने सबके लिए अलग अलग है। आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी खुशी किस चीज़ में है, किस लिए है, आपका बेसिक नेचर क्या है, उसमें खुशियाँ ढूंढनी है। तो आज के इस वीडियो को सम अप करता हूँ। अनलिमिटेड एनर्जी आपके अंदर भरी पड़ी है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है आपके पास, इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो देर किस बात की, शुरू हो जाइए। अभी तो असली उड़ान बाकी है, अभी तो असली इम्तिहान बाकी है, अभी तो लांगा है मैंने समुद्र को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई विल बी बैक सून। टिल देन टेक केयर। बाय बाय। स्टे ब्लेस्ड। बी हैप्पी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।